सुकमा जिले में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे नई सुबह नई शुरुआत अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस के अभियान से प्रभावित होकर चिंता गुफा क्षेत्र में सक्रिय एक महिला नक्सली ने आत्मसमर्पण किया है। पूर्व कोंटा एरिया कमेटी KAMS अध्यक्ष रोशनी ने नक्सल ऑपरेशन कार्यालय सुकमा में बिना हथियारों के आत्मसमर्पण किया है। आत्मसमर्पित महिला नक्सली को शासन की छत्तीसगढ़ नक्सल उन्मूलन नीति के तहत सहायता राशि और अन्य सुविधाएं भी प्रदान की जाएगी। बता दें कि नक्सल रोशनी नक्सलियों के अमानवीय और आधारहीन विचारधारा, उनके शोषण, अत्याचार तथा बाहरी नक्सलियों द्वारा भेदभाव करने से परेशान हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है। तो सुकमा से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर चिंता गुफा क्षेत्र में सक्रिय एक महिला नक्सली ने अपने आप को पुलिस के हवाले किया है, आत्मसमर्पण कर दिया है। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही है नक्सलियों की बेहतरी के लिए। उन तमाम योजनाओं से प्रभावित होकर नक्सलियों ने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया है, आत्मसमर्पण कर दिया है। और इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के लिए सुकमा से हमारे साथ में विजय पचौरी जी जुड़ गए हैं। विजय जी, चिंता गुफा क्षेत्र में सक्रिय एक महिला नक्सली ने आत्मसमर्पण किया है, इस खबर को लेकर क्या कुछ अपडेट है बताइए। जी बिल्कुल मनीष, मैं बता दूं कि सुकमा जो है नक्सलियों की राजधानी कहलाती है और नक्सलियों ने इन इलाकों में कई बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया है। छत्तीसगढ़ सरकार की चलाई जा रही पुनर्वास नीति का अब यहां के स्थानीय नक्सली लाभ ले रहे हैं। आज भी सुकमा जिले के चिंता गुफा में सक्रिय कई सालों से नक्सली संगठन रह के कई बड़ी घटनाओं में शामिल रही एक महिला नक्सली ने आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर आत्मसमर्पण किया है। समर्पण करने आई महिला नक्सली को छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि भी दी गई है और छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से दी जाने वाली हर सुविधाएं इस महिला नक्सली को दी जाएगी। और जो नक्सली ने समर्पण किया है उस नक्सली से सुकमा पुलिस को नक्सल गतिविधियों की अहम जानकारी निकलकर सामने आएगी। बनी जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आप लगातार हमारे साथ में बने रहिए, हम आपसे बात करेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें सुकमा से, जहां पर चिंता गुफा क्षेत्र में एक सक्रिय महिला नक्सली ने शासन की तमाम योजनाओं से प्रभावित होकर अपने आप को पुलिस के हवाले किया है, आत्मसमर्पण कर दिया है और छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से वो तमाम योजनाओं का लाभ भी इन्हें मिलेगा जो सरकार की तरफ से चलाई जा रही है।